हेलो, मैं हूं नवीन बोरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपकी वोकैबुलरी को और पावरफुल बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बेस्ट वे बताया था कि जब भी आप वोकैब इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी को एक सिस्टमेटिकली तरीके से आप लर्न करें तो आपकी वोकैबुलरी बहुत जल्दी पावरफुल होगी। तो ये सिस्टमेटिकली मेथड ये है कि जब आप कोई एक वर्ड सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो सारे सीखें। इसे हम एक वर्ड फैमिली कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी आप एक व्यक्ति को जानते हैं और साथ ही अगर उसके सारे परिवार वालों को भी जानते हैं तो आपकी पहचान बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स सीखें तो आप उससे रिलेटेड वर्ड्स, जिसे इंग्लिश में हम सिनेनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्दों को इंग्लिश में सिनेनिम्स कहते हैं। तो सिनेनिम्स ऑफ पुअर, गरीब शब्द के जो समानार्थक शब्द हैं उससे रिलेटेड आसपास के मिलते जुलते सारे शब्दों को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला शब्द है ब्रोक, ये ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, लेकिन इसको हम एडजेक्टिव रूप में देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कंगाल, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे हम बोलते हैं पैनी। मीन्स जैसे हिंदी में कौड़ी बोलते हैं, पैनी, सिंगल पैनी हम बोलते हैं, फूटी कौड़ी भी नहीं है किसी के पास, तो हम बोलते हैं ही डज नॉट हैव अ सिंगल पैनी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक रुपया भी नहीं होता है उसे हम बोलते हैं पैनी लेस, तो धन रहित। देन बैंक के द्वारा किसी को दिवालिया घोषित कर दिया गया तो वो कहलाता है बैंक्रप्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज पुअर्टी स्ट्रिकन, बहुत गरीबी कहीं पर है या बहुत गरीब लोग हैं तो हम बोलते हैं दे आर having the poverty stricken। main word है impoverished और उसी से बना है impoverished, means दरिद्र व्यक्ति को impoverished कहते हैं। then destitute means बेसहारा, बेसहारा या गरीब व्यक्ति होता है तो destitute कहते हैं। then indigent means दरिद्र व्यक्ति होता है तो उसको indigent कहते हैं। meager means अल्प या थोड़ा है तो उसे हम meager कहते हैं। नीड से बना है नीडी, जरूरतमंद या गरीब इंसान को भी आप नीडी कह सकते हैं। हेल्प मीन्स होता है मदद, और हेल्पलेस मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मदद नहीं मिल रही है या सिंपली हम मजबूर कह सकते हैं। देन पीटीएस मीन्स होता है दीन या मामूली व्यक्ति जो होता है उसको हम बोलते हैं। मिजरेबल मीन्स कोई व्यक्ति बहुत दुखी कंडीशन में है तो हम बोल सकते हैं ही इज इन अ मिजरेबल स्टेट और ही इज इन मिजरी, जो मेन वर्ड है वो मिजरी है तो वहां से आप बोल सकते हैं। ये पिटी मीन्स दया होता है तो जिस पे हम दया करते हैं वो पीटीएस कहलाता है। देन वी हैव थ्री अदर वर्ड, दैट इज अनफॉर्चुनेट मीन्स फॉर्चून का अपोजिट है अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली। पैथेटिक मीन्स दयनीय, और इलफेटेड मीन्स बदकिस्मत, या आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं जो व्यक्ति किसी भी काम में हाथ डालता है और गलत होता है, जिसे ज्यादातर लोग पनौती वर्ड से जानते हैं उसे इंग्लिश में हम इलफेटेड कहते हैं। थोड़े आपको वर्ड्स हार्ड लगे हैं तो एक बार फिर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी नया वर्ड एक ही बार में हम बहुत बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो डू प्रैक्टिस, राइट इट डाउन, स्पीक देम मोर एंड मोर, ताकि जब भी आप इन शब्दों को बोलें तो नेक्स्ट टाइम और कंफर्टेबल हों। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आप अच्छे वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।